सबको पता है कि कल से यानी कि मंगलवार की रात से जब हिना साहब का तबीयत खराब हुआ सिवान में और फिर उन्हें पटना पारस हॉस्पिटल लाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है, यहां वो इस हॉस्पिटल में एडमिट है। आज दूसरा दिन है, बहुत सारे लोग उनकी हालत को जानने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं और उनके पुत्र ओसामा साहब से उनकी मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है। कुल मिला के अभी हमारे साथ मौजूद हैं सिवान के रहने वाले अश्वत्थामा यादव जी। अभी आप लोग आए हुए हैं यहाँ पे मैडम की तबीयत खराब को लेकर के, क्या हालात है मैडम? अभी हालात ठीक है, जो लोग यहाँ हैं हम लोग आए वो लोग बताए हैं कि ठीक ठीक हैं। अभी मैडम एक नेक इंसान है, अच्छा व्यक्ति है, हम लोग ऊपर वाले से कामना करेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ से छूट ठीक हो करके पारस हॉस्पिटल से निकल करके सिवान अपने धरती पर जाए जल्द से जल्द। किससे बात हुआ है आपकी? ओसामा साहब से बात हुआ है या किस? ओसामा साहब अंदर बैठे हुए हैं और लोग भी जो हम लोग को तो जाने नहीं देंगे, इसलिए हॉस्पिटल के हाल हम जो जानते हैं, एक आदमी जाते हैं। हाँ हाँ, तो हम लोग अनुशासन तो तोड़ेंगे नहीं कि जाएंगे ऊपर, पर सूचना मिली है कि अभी ठीक है। ओसामा साहब भी बताए, सब लोग थे हमारे सभी विधायक सिवान जिले के जितने भी आरजेडी के विधायक है सब लोग थे वहाँ पर, उन लोगों के सामने वो बताए हैं मैडम ठीक है, उनकी हालत ठीक है मैडम, ठीक है, जल्द वो वापस चली जाएंगे। हाँ हाँ, हम लोग ऊपर वाले से कामना करते हैं कि जल्द से जल्द सिवान। मैं अश्वत्थामा यादव, प्रदेश सचिव जुआ राजद बिहार। आपने देखा कि अश्वत्थामा जी से बातचीत हो रही थी और उन्होंने भी कहा कि हिना मैडम का जो तबीयत है वो ठीक है और कल से बहुत अच्छा सुधार हुआ है, अब वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी और बहुत जल्द यहाँ से पारस हॉस्पिटल से वापस अपने घर अपने सिवान जहाँ हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ चली जाएंगे। तो ये सभी लोगों की दुआ है, ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और सबके बीच में जैसे पहले वो काम करती थी उस तरह से वो सबके बीच में वापस आए।